हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लवीला शारण ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखे तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो है टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो है। तो जी हाँ, आज कोई खाने का रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आज है सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखे तो समझ में आके चलिए। तब मैं बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब अगर आप देखते हैं और अगर आप खाने के शौकीन है, फूड लवर है, तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो मोहित भाई को नहीं जानता होगा। तो मैं जो नहीं भी जानता, चलिए उनको बता देता हूँ कि मोहित भाई जो एक यूट्यूबर है और वो फूड ब्लॉग ज्यादातर बनाते हैं और घूमने का ही बनाते हैं और अपना लाइफ स्टाइल भी वो दिखाते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, वो ईच एंड एवरी थिंग अपनी चीज शेयर करते हैं, घर की हर चीज। और माशाल्लाह उनके जो फॉलोअर्स हैं 8,10,000 होने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो फॉलोअर्स छोड़ो, मारो बोली, मतलब बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है वो, बहुत अच्छे। और मैं उनको आज से नहीं, 2020 से फॉलो कर रहा हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन। तो उससे पहले मैं देखता था 2019 से, पर उससे पहले भी मैं उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन पहले वो कभी कभी ब्लॉग्स डालते थे और ज़्यादातर वो ट्रेन जर्नी डालते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर वो जो है अपने घर के ब्लॉग्स डालने लगे, डेली ब्लॉग्स। और मैं भी लॉकडाउन में सभी घर पे थे, तो मैं भी घर पे रहता था, तो उन्हीं को मैंने मतलब उनको फॉलो करने लगा मैं डेली। तो उनको देखते 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 फिर ऐसा हो गया, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद फिर आदत हो गई थी हम लोग को कि मतलब अगर मोहित भाई का वीडियो नहीं देखते थे तो ऐसा लगता था कि आज का दिन नहीं गया। तो मैं और साहिब दोनों उनके मतलब बहुत ही बड़े बड़े वाले पागल वाले फैन हैं। और आज अगर मैं यूट्यूबर अगर मैं भी अगर बनना चाह रहा हूँ या मैं हूँ, तो सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन होता है ना, मतलब तो वो मोहित भाई आप हो। अगर ये वीडियो मोहित भाई आप देख रहे हो तो स्पेशली ब्लॉग आपके लिए आज का। और आज मैं अगर कोई भी अगर आज मैंने माशाल्लाह नहीं भी तो 130 के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ मैं यूट्यूब में। तो जो भी मेरी हिम्मत है, जो भी मेरा वो होता है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ आपके वीडियोज से। तो मतलब आप मेरे गुरु हो यूट्यूबर के, उससे अगर मैं कहूँगा तो आप मेरे गुरु हो, तो गुरु जी आपके लिए ही है। और आज जो इत्तेफाक से क्या हुआ ये कि आज मैं ऑफिस मतलब दुकान आ जाए बहुत देर से गया, क्योंकि आज मैं रोज़ा रखा हुआ था तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो शाम में मैं बोला कि चलो अवतार करके निकलूँगा एक साथ, क्योंकि भाई था दुकान पर। तो मैं अवतार करके आराम से नॉर्मली 7 बजे घर से निकला, तो कभी मैंने सपने में नहीं, और इत्तेफाक से अवतार किया। उसके बाद मैंने और साहिबा ने जो है मोहित भाई का आज का वीडियो आया था, तो वो वीडियो में देखे ही, देख के मैं घर से ही निकला हूँ। तो किड स्ट्रीट रस्ते से मैं जा रहा था अपने दुकान के लिए, तो मैंने सामने से देखा कि एक मोटर बाइक में पापाई था, उनके दोस्त हैं वो, तो अगर आप देखते हो तो वो आपको मालूम ही होगा, पापाई था उनके बेस्ट फ्रेंड में। तो पापाई था और मोहित भाई इस तरफ से आ रहा बाइक से, मैं इस तरफ से जा रहा था अकेले, तो साहिबा मेरे साथ नहीं थी, मैं दुकान जा रहा था। तो मैंने देखा तो मैं बोला मोहित भाई, तो पहले मैं कन्फ्यूज हुआ कि मोहित भाई है भी कि नहीं है, तो बोला हाँ ये तो मोहित भाई है। तो मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने सबसे जो पहला सेंटेंस बोला, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हद नहीं, कि कैसे हो भाई। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बार उनसे मिल चुका हूँ, 0% एटीट्यूड। तो फिर मैं सोचा कि रोकूं कैसे, तो उन्होंने खुद बोला कि कोई बात नहीं तुम आगे आओ घुमा के। तो फिर मैं जल्दी से अपनी बाइक घुमाया, जब मैं पीछे गया तो देखा मोहित भाई ऑलरेडी वहाँ पे जो है बाइक से उतर के खड़े होते थे मेरे लिए। तो मैं तो गया तो मेरा तो बिल्कुल उस टाइम ये तो थी नहीं देखने के लिए, तो मेरा हाथ बिल्कुल कांप रहा है, मेरा पाँव कांप रहा था उनको देख के। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आप जिसको सबसे ज़्यादा मतलब चाहते हो, हमेशा उसको फ़ोन में या टीवी पे देख रहे हो, और अचानक से वो शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो क्या वो चीज़ होती है। आज मैं मतलब कभी भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, कभी मेरे हाथ पाँव नहीं कांपा। आज फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मैं पूरा ऊपर से नीचे शेक हो रहा था घबराहट से कि मतलब क्या मुझे मिल चुका है। तो मोहित भाई ने अपना हाथ सबसे पहले बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो मतलब वो प्यार कह लो या इज्जत कह लो, तो सबसे पहले तो मैं उनके हाथ को मतलब प्यार किया पकड़ के। फिर उन्होंने जो है मतलब वो भी थोड़ा सा इमोशनल मतलब वो भी घबरा गए कि कौन पागल है ये, बोला सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ भाई ये वो। तो उन्होंने फिर दिल से लगाया, मतलब क्या कहें, मतलब जोर वाला हक दिया, झप्पी प्यार की झाथली झप्पी। तो मैं लिटरली मतलब कम से कम 20 सेकंड कंटिन्यू उनसे चिपक के रोया हूँ बच्चों की तरह, मतलब मैं मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन अपने से आंसू आ रहे हैं एकदम, मतलब मेरी बॉडी शेक हो रही है। वो मोहित आप अगर आप देख रहे हो आपको पता ही होगा, आप भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि ये कौन पागल है। तो मैं बिल्कुल कांपने लगा, मैं बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ये वो। तो इतने अच्छे से वो मिले हैं कि हद नहीं है। इसके बाद में पापाईदा अगर आप भी देख रहे हो तो आपके लिए आप भी बहुत अच्छे हो सच में, मतलब आपको दोनों हमेशा मैं देखता था ना, तो सोचता था कि कभी मिलूंगा तो ये करूंगा ऐसा, वो कभी सोच ही नहीं था कि शायद मुलाकात होगी। तो पहली बात तो आज अल्लाह ने मुझे मतलब मुझे लगता है अल्लाह ने इतना बड़ा मुझे रमजान में गिफ्ट दे दिया है ना, कि मेरी आज ईद हो गई मेरे लिए, तो मतलब आज 11वां रमजान है मेरी ईद हो चुकी है। तो बहुत खुश है और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुझे मुलाकात हो गई, उससे कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि इस तरह से मुलाकात होगी। तो फिर मैंने जब वहाँ पे जब हक हो गया फिर मैं काफ़ी रोने लगा,
तो मैंने बोला कि मेरी वाइफ भी आपकी बहुत बड़ी फैन है मोहित भाई, तो आप प्लीज बात कर सकते। बोला रहे हाँ भाई, बोला सिर्फ 2 मिनट, मेरा इतना हाथ कांप रहा कि मेरा फोन मुझसे नहीं लग रहा, तो वो बोले आप आराम से करो मैं हूँ। फिर मैंने साहिबा को दिया, तब साहिबा बताएगी आगे की बात। जब कॉल आया तो इन्होंने बोला कि देखो किससे मिला हूँ, मैं सोची कोई होगा, मतलब फटाक से जब फोन ऐसे किया ना इन्होंने तो सामने मोहित सर थे, और मेरी तो चीख निकल गई घर में देख के, मतलब मेरी सास फूफी जान भी डर गई कि इसे हुआ क्या अचानक से, मैं देख के उनको रोने लगी, बोली अल्लाह, मतलब मैं बोली आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो सिर्फ वहां से ऐसे कर रहे हाय कर, उन्होंने जरियान को भी देखा उसको भी हाय किया, और इतने अच्छे से उन्होंने बात की, मतलब यूट्यूबर इतने बड़े यूट्यूबर है वो, और उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ है, और बहुत मतलब लगी नहीं था कि पहली बार मिल रहा है ऐसा। हाँ मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, और मैंने हमेशा कमेंट में पढ़ा है, बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े मोहित भाई के वीडियो में कि सर बहुत डाउन टू आते हैं। नहीं नहीं सर, डाउन टू आते हैं, नेगेटिव वाले को छोड़, नेगेटिव तो सभी पढ़ते हैं। हाँ। उसमें वो जो कुछ हेटर्स होते हैं वो उनका काम ही वो सब करना, तो वो डेली का है वो सब, तो हमेशा मैं कमेंट्स जो मैं पढ़ता था उसमें हमेशा कोई ना कोई लेता था मोहित भाई बहुत अच्छे हैं, आज मैं उनसे मिला था ये वो, तो मतलब मैं बोलता था ठीक है भाई कभी होगा मुलाकात अपनी भी है वो, लेकिन आज मैं सच कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना मोहित भाई आप सच में बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है, और इंशाल्लाह बस यही दुआ है अल्लाह से कि आप बहुत कामयाब हो, आपको अल्लाह बहुत तरक्की दे, और आपका अभी 1 मिलियन होने वाला है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1 मिलियन हो जाए, और आपका फिर 10 मिलियन से 20, आप मतलब 100, आप 1 बिलियन तक जाओ, मतलब इतना आगे जाओ कि आप खुद सोचोगे इतना आगे आ गया है ना। और सच में आज मुझे एक चीज समझ में आई कि आपकी कामयाबी का राज आज मुझे पता चल गया कि आप बहुत सच में दिल से सफा हो और बहुत अच्छे हो, और आज ही आपका घर भी आपने रिवील किया था, हाउस रिवील, तो वो वीडियो भी बहुत अच्छा लगा था, आप पूछ भी रहे थे कि कैसा लगा, तो सच में उस टाइम तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, तो आज का वीडियो आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा था, और मैं क्या आप जितने भी आपके सब्सक्राइबर या आपकी फैमिली, हम लोग सब आपकी फैमिली है जैसा कि आप कहते हैं, तो हम आपके सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हुए आपका घर देख के, और बहुत माशाल्लाह अच्छा घर है आपका, और सबसे अच्छा मुझे वो लगा जब आपकी मम्मी आंटी जी ने कहा कि आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत कुछ दे दिया मुझे, तो मतलब मेरे और साहबा कुछ उस वक्त भी हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे देख के, क्योंकि मैं आप मोहित भाई को तब से देख रहा हूँ जब एकदम स्टार्टिंग का था इनका, तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो स्टार्टिंग से इनको फॉलो कर रहा है उन्हें मालूम है, तो मैं भी वन ऑफ द उन सब्सक्राइबर में कंपनी है, तो हमें मालूम है कि मोहित भाई कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक माशाल्लाह आए हैं, तो बस यही दुआ है कि मोहित भाई और भी बहुत आगे जाएं और बहुत नाम करें, और बस सब्सक्राइबर से जब तो इसी तरह से मिले, और उम्मीद है कि फिर कभी मिलेंगे तो जरूर, इस बार तो 10 मिनट आपका जरूर मैं वेस्ट करने वाला हूँ है ना, आज मैं आपसे बात ही मैं क्या बोलूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ नहीं करूँ, और फिर मैं दुकान गया तो मैं इतना खुश था कि हद नहीं है, आज दुकान में सब स्टाफ लोग को मैंने मिठाई खिला के ले जाके बोले क्यों मतलब तुमने खा लो तुम लोग, मतलब तो वो समझ में गया कि बोला क्या मोहित भाई से मुलाकात हो गया क्या, उसको मालूम हाँ कैसे मालूम, बोला और तो आप तो किसी का फैन नहीं है, बोला आप उसी का देखते हैं ये वो, तो बोला हाँ, तो मतलब मज़ा आ गया, मज़ा मतलब दिल खुश हो गया, तो इसीलिए आज खुशी में जो है मैंने बाहर से भी खाना भी मंगवाया है, तो मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ दुकान से आके, तो चलिए अब जो है आज खुशी का दिन है, तो खाना मैं निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि आज मोहित भाई से जो मुलाकात हुई उसकी खुशी में हम लोग क्या खाने वाले हैं, सो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। चुका है डिनर, तो जो भी था मैंने आपको दिखाई दिया है, तो कैसा लगा आपको आज का फ्राइड राइस? बहुत ही अच्छा, इसको वाला कुछ मिनट दो, इसको फ्राइड राइस दे दो, हो गया, मेरे को बिरयानी भाई, मेरे को चाइनीज इतना पसंद नहीं है, मुझे कुछ दो या मत दो, बिरयानी दे दो, निहारी दे दो, रोटी दे दो, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या दाल पूड़ी हो, मजा आया। और खाने के बाद ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मुझसे वीडियो नहीं बनता है, मतलब जो एनर्जी होती है ना डाउन हो जाती है, खासकर रात में डिनर करने के बाद, तुम्हारा होता है? नहीं मुझे ये होता है। और ये है मेरा छोटी सी जान चिरौटा आलू। नहीं तो फ्रेंड्स
जो भी था मैंने आपको दिखाई दिया, शेयर कर लिया। और मोहित भाई के साथ जो मैं मिला था तो बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि हम लोग रस्ते में मिले थे इत्तेफाक से, तो मुश्किल से 5 से 7 ही मिनट मिला। और मुझे इतना मतलब मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं उनसे मतलब मैं चाहता था बस उनको देखता रहूँ जितनी देर भी था, तो इसलिए मैं ज्यादा जो है वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैंने 2 सेल्फी ली थी मोहित भाई और पपाई के साथ, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। जब वीडियो एंड होगा तो वो आ जाएगा, तो आप देख लेना। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज का व्लॉग तो नहीं था, जो भी था आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी मेरा आज हुआ मैंने आपसे शेयर किया कि आप मेरी सब फैमिली मेंबर हो, तो खुशी थी, तो मैंने बोला चलो आपसे भी शेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ नबीला शान ब्लॉग्स को, तो क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बन जाए हमारी छोटी सी फैमिली। और यहाँ से फ्रेंड्स बगल में एक घंटा है तो उसको प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए फ्रेंड्स बरसात है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय।